जो ये 5 एकड़ जमीन दी गई है ताकि मस्जिद बन सके अयोध्या में, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, सबसे पहले बेहतर बात यह है, अयोध्या को कोई मुसलमान नहीं जाता था पहले, और इन फ्यूचर अब ऐसी चीज़ बनने वाली है इंशाल्लाह, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आएंगे उन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, माशाल्लाह पूरी दुनिया के लोग आएंगे। हाँ, अयोध्या को कौन नहीं जानता था, अब ये मस्जिद बाबरी की तरफ से जो है ना सब भी जानेंगे उसको, और हर कोई जाके नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के लोग आएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। क्या बात है, वो मस्जिद और इतनी खूबसूरत बनेगी इंशाल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगे इतनी शानदार मस्जिद वहाँ पे तामीर होने वाली है, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। इसका मतलब अब इंडिया में दोनों कौम के लोग खुशी से रहेंगे, जहाँ पे पहले डिस्प्यूटेड जगह है वहाँ पे मंदिर बनेगी, और जो ये 5 एकड़ लैंड में वो एक शानदार मस्जिद बनेगी जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे, बस बस दुनिया का हर शख्स हर मुसलमान आके नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। याद रखो, यहाँ पर देख सकते हैं आज जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरे हालात सामान्य हैं, गुलबर्गा जैसे रोज़ की तरह अपने नॉर्मल जैसे ख़रीदार ख़रीदने जाते हैं, वैसे यहाँ पर छोटे मोटे व्यापारी भी जो अपना काम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े व्हीकल्स भी अपना जो रोल है वो बराबर अदा कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब उतना ख़ास असर नहीं हुआ जो भी वर्डिक्ट था आज जो आया था, ऐसा लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कुछ ऐसा कुछ इशू होगा, मगर ये हिंदुस्तान की खासियत है कि लोग बहुत यहाँ पर सब्र करते हैं, और उनकी अच्छाई ये है कि वो अमन पसंद लोग हैं। क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो नुक्कड़ पे लोग हैं वो बराबर अपना बिजनेस कर रहे हैं अपना नॉर्मल तरीके से। जैसे रोज़ की तरह जैसे हलचल होती है उससे थोड़े से कमी है आज, मगर ऐसा नहीं है कि सभी लोग घर में हैं, बराबर लोग जो अपनी ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं रोडों पे। इक्का दुक्का शॉप्स क्लोज भी नज़र आ रही है, मगर ज़्यादातर लोग अपना बिज़नेस नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। ये गुलबर्गा का वन ऑफ दी पब्लिक रिलेवेंट स्पॉट्स है जो जहाँ पे हम घूम रहे हैं, रिंग रोड है ये, यहाँ पर सामान्य तौर पे लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन आज थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही है ट्रैफिक की। ये देखिए हागर क्रॉस है जहाँ पर ट्रैफिक का अक्सर इशू होता है, लेकिन आज ज़रा लोग कम हैं, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ जो पीस नहीं पसंद करने वाले लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है अपना। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स या ऑटो रिक्शा है या जो भी ज़रूरत के चीज़ें हैं वो बराबर लोगों को मुहैया करा रहे हैं, लोग एक नॉर्मल सी दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि हम लोग डरे या दहशत में आए, लोग बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं कि दे वांट टू शो दैट के एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये वर्डिक्ट आने के बाद ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है गुलबर्गा में या नॉर्मल चल रही है लाइफ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल तो लग रही है, इंशाल्लाह के ऐसे ही पीस रहे हमेशा। वैसे ये हमारे गुलबर्गा की पहचान है, यहाँ के लोग अमन और शांति पसंद लोग हैं, आपको कुछ ऐसा लगा डिफरेंस? आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप अभी कहाँ के लिए निकले हैं घर से? ये तो यहाँ बाहर थोड़ा राउंड पे निकले थे, ऐसा तो माहौल तो एकदम पीस लग रहा है, और ऐसा कुछ ये नज़र नहीं आ रहा कि कुछ हालात जो है या कुछ ये हो जाए या कुछ, तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप गुलबर्गे के लोगों के लिए? ये मैसेज होगा कि सब लोग जो है जो फैसला आया है उस हिसाब से जो है फिर भी
पीस और शांति से रहे सब, फैसले के हिसाब से रेस्पेक्ट करके थे आगे बढ़े। और थैंक यू, थैंक यू। और हम अपील भी करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे वर्डिक्ट आया है उसको उसको माने, लोगों से अपील करते हैं कि वो जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको माने और अपना संयम बरकरार रखे और लोगों में पीस स्प्रेड करे, प्यार मोहब्बत स्प्रेड करे। ये देख सकते हैं आपके एक छोटी सी लड़की के साथ उसके फादर जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा नवासी है। अच्छा, नवासी है लगते नहीं ऐसा, शक्ल से बहुत जवान दिखे इसलिए मैं फादर बोला। फादर है नवासी मेरे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हालात नॉर्मल हैं कि छोटे बच्चे भी खुली तरीके से बाहर आए हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मकान जा रहा हूँ। मकान जा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा ना आज जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद? आज के पास ये कुछ नहीं ऐसा यार, लग रहा कुछ नहीं, नॉर्मल है, शांति है। हाँ, सब शांति से चल रहा है। जी हाँ। यहाँ पर भजिए खरीदने आए थे आप? जी हाँ। जी जी, ओके, शुक्रिया, जा सकते हैं। ये जो भी था ये पूरा रिजॉल्व हो गया है। देखिए पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, इधर हर नुक्कड़ पे पुलिस वाले बैठे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इवन जेंट्स ही नहीं, लेडीज़ भी अपना जो है ना नॉर्मल जो दिनचर्या है वो पूरा कर रही है। तो यहाँ पर सब गुलबर्गा में अभी नॉर्मल माहौल नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिल्कुल नॉर्मल है और गुलबर्गा का जो माहौल है गंगा जमुना तहजीब का उसको बरकरार रखा है गवर्नमेंट, और बहुत सुकून और अच्छा लगता है ऐसा माहौल देख के, क्योंकि हर तरफ यही सुनने को मिलता है आजकल ये है वो है, लेकिन गुलबर्गे ने अपनी अपने इतिहास को कायम रखा हुआ है। यहाँ पर अमन और पीस बिल्कुल नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ की तहजीब है गुलबर्गा की। जी हाँ। यहाँ पर सामने बहुत सारे लेडीज़ भी हैं, यहाँ पर फीमेल्स है, अपना बराबर पूरा दिनचर्या बराबर जैसे रेगुलर डेज में आते हैं वैसे अपना रेशन लेने आए हैं। ये वही है ना जो रेशन लेने आए हैं लोग? जी जी जी। आप मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? मैं थोड़ा दोस्त के पास जा रहा था। ऐसा कोई डर नहीं है मतलब आज निकलने का? नहीं है, गुलबर्गा में एकदम बहुत सुकून का माहौल है। जी जी। मैं सुबह दूसरे एरिया में भी गया था, वहाँ पर भी कुछ नहीं है ऐसा, नॉर्मल लाइफ चल रही है यहाँ पर बस। ओके, थैंक यू। ये जो गुलबर्गा आज नज़र आ रहा है ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक में कमी नज़र आ रही है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? डिफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा है, एज़ यूजुअल रूटीन चल रहा है पब्लिक का। हाँ, ये जो कुछ डिस्टर्बेंस कुछ होने के चांसेस तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सीधे साधा जो हमेशा जैसा रूटीन है सब लोग का वैसे ही चल रहा है। मतलब कुछ कमी पेशी नज़र नहीं आई आपको? मतलब सब कुछ खुला है, हॉस्पिटल्स पूरे खाने पीने के जैसे यहाँ पर पीछे पापड़ वगैरह मिल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा है? सब कुछ नॉर्मल। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ। जी जी जी, ओके। हाँ, ओके, बाय। वी हैव ए यंग जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ इमरान एंड the well-known place of Gulbarga here at the Hagarga Cross. After the verdict of today's Supreme Court verdict, the Gulbarga is very much normal. What you want to say about this? First of all, I would like to add one thing before I say something about Gulbarga. This verdict which has been came today by the Honorable Supreme Court, we do welcome the decision by our Honorable Supreme Court 5 judges bench. We may agree or we may disagree with the judgment which has been came by certain community people, but
as per there was a hype which was media was been created from couple of days. Now we can see that people as verdict was been announced, people have been living their normal life, provocate people. But I appeal to all the viewers of 24/7 Pulse to please spread a peaceful message and harmony to entire Gulbarga people. Thank you. As you can see, the place, the well-known place is here of Gulbarga Ring Road. Everybody, they are doing their own works. The labor people and the middle class people, the higher people, they all are equally working today as like normal day. You can see the place here. Yeah. So everything is very much normal here. Even we appeal to be normal, and there is nothing to be panic here in Gulbarga.